और उसके पेश नज़र कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं, जैसा कि एवरेटी जो 120 साल पुरानी इंडस्ट्री बंद हो गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप हो गई है। दूसरी तरफ हमारे पास तेलंगाना में अमेजान जो है सारी दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस होता है, और हमारे पास हर दिन कोई ना कोई आता है अपनी नई इंडस्ट्री का लाइसेंस को अप्लाई तो करता है या अप्लाई करा हुआ। मौजूदा हिंदुस्तान के वजीर आजम को और मरकजी हुकूमत को सबक सीखना चाहिए कि सारी रियासतों को छोड़कर अगर तेलंगाना में डेवलपमेंट आ रहा है और जितने भी इन्वेस्ट करने वाले तेलंगाना की तरफ रागिब हैं, तो उसका सहरा हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर अली जनाब केसीआर साहब को जाता है, और इसका सबक तो हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को सीखना चाहिए कि आज हर सतह पर मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, और जो है अगर कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो तेलंगाना में, सेक्युलरिज्म कहीं देखने को मिलता है तो तेलंगाना में, और एक अवाम की हुकूमत है और अवाम के दिलों पर हुकूमत करने वाले लीडर का नाम कलवाकुंडला चंद्रशेखर राव साहब हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अवाम के लिए वफ कर दिया। उनकी सोच अवाम के लिए है और उनकी तड़प अवाम के लिए है, और हर इलेक्शन आपने देखा। और रही बात, मैं इस डाइस से ये भी कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है तो साबिका 56 बरस तक जो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया है हिंदुस्तान में, उस कांग्रेस जमात से जो है सारे हिंदुस्तान को नुकसान हुआ, और फिर आज जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, हुकूमत है, वो तो हर सतह पर जो है जुल्म और सितम की दास्तान बयान कर रही है। लेकिन इन दोनों जमातों से चौकस और चौकन्ना रहने के लिए मैं हिंदुस्तान की अवाम से भी कहूंगा और हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि वो दुश्मन और दोस्त को पहचाने, और ये हुकूमतें या ये खायदीन अपने चेहरे पर कितने भी नकाब डाल लें, लेकिन नकाब के पीछे हुए उस चेहरे को देखना सीखें और चौकस और चौकन्ना रहें, दोस्त और दुश्मन को पहचाने। अगर आज कहीं पर सेक्युलरिज्म का झंडा जो है चल रहा है तो वो तेलंगाना में है। जो माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर साहब ने 2000 करोड़ रुपए दिया है, और सारे हिंदुस्तान का अगर मौरिख जायजा ले और ये लिखे कि हिंदुस्तान में रेसिडेंशियल स्कूल्स कहीं चल रहे हैं, तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। सिर्फ तेलंगाना में 205 रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मरकजी हुकूमत के उन खायदीन से, नरेंद्र मोदी साहब से, कि एक मरतबा तेलंगाना आओ और आकर उन रेसिडेंशियल स्कूल्स को देखें जहां 60,000 तलबा और तालिबात अखिलियतों के जो है वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की फराख दिली और उनकी मोहब्बत और उनकी गंगा जमनी तहजीब से वाबस्तगी, और जो है सेक्युलरिज्म के चैंपियन कहूंगा मैं केसीआर साहब को और केटीआर साहब को, हरीश राव साहब को और जो है केशव राव साहब को, ये एक ऐसी टीम है कि सब मिलकर जो है, मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। केसीआर साहब एक सेक्युलरिज्म के चैंपियन कायद हैं, और हर सतह पर मजहबी त्योहारों को आप देखिए, कल ही हमारे शहर में लाखों लोगों का गणेश निमज्जन जुलूस हुआ। एक जमाना था अगर गणेश का जुलूस होता या बोनाल होता या फिर जो है हमारे दूसरे त्योहार होते तो लोग 8-8 दिन का कर्फ्यू का जो है इरादे रखते हुए राशन को घरों में डाल लेते और घरों के दरवाजे मजबूत करते थे। लेकिन आज हिंदू और मुस्लिम का इतना इत्तेहाद, भाईचारगी हमें देखने को मिलती है, उसका सहरा केसीआर साहब को जाता है, और जो है तेलंगाना रियासत सारे हिंदुस्तान की एक सेक्युलर रियासत है। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर कलवाकुंडला चंद्रशेखर राव साहब एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के मजहबी इबादत गाहों का एहतराम करते हैं, जिन्होंने माह रमजानुल मुबारक में 60 करोड़ रुपए जो है जारी करते हुए इफ्तार का एहतमाम, मसाजिद की मरम्मत और दागदोजी और मलबूसात यानी कपड़ों की तकसीम, आप देखिए अगर मौरिख
मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी साहब, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, आप जो है ये जुल्म और सितम छोड़िए और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की शक्ल दीजिए। हिंदुस्तान के लिए हर कौम ने जंग आजादी के लिए आगे बढ़ा था, और आज अगर सारे हिंदुस्तान को मैं ये दावत दूंगा कि तेलंगाना आकर केसीआर साहब से सबक सीखे कि एक दूसरे के मजाहब का एहतराम क्या होता है और जो है एक दूसरे का जो है कैसा एहतराम किया जाता है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कि आज अगर ये नारा है तो केसीआर साहब का नारा है, और मैं वो मोदी साहब के लिए कहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मेरा रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो अभी